एक्मा स्क्रिप्ट 6 हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। एक्मा स्क्रिप्ट 6 स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे जो कि हम लोग कवर करेंगे अपनी एडवांस जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और उन्हें मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। तो ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम लोग एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर कवर कर रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास ES6 है, होस्टिंग है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रोटोटाइप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनहेरिटेंस है, और क्या कहते हैं दिस कीवर्ड के बारे में है इंफॉर्मेशन, जिसको जिस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, उसे बाइंड किया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्लोजर्स हैं। अच्छा, और अच्छा इन चीज़ों को मैंने जो है वो डिज़ाइन कुछ इस तरीके से किया है कि आप लोगों को आगे चल के जो है वो अपने इंटरव्यूज़ वगैरह जो हैं उनको क्लियर करने में बहुत आसानी हो जाए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो इसके अंदर जो कि आपने देखी है, ठीक है, कहीं पे, या हमने क्लास के अंदर ही वो की हो लेकिन आपको उस एक्चुअल कॉन्सेप्ट का नाम नहीं पता, ठीक है। तो इंटरव्यूअर जो है वो इसी तरह के सवाल करता है आपसे कि जिसके अंदर वो आपको घुमा दे, आपको फंसाए, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट का नाम आपको बोलेगा कि इसके बारे में पता है, तो आपको एक्चुअल वो चीज़ पता होगी लेकिन फिर भी चूँकि आपको उसका नाम नहीं पता होगा कि उसको कहते क्या है, ठीक है, तो आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे कि अभी हम इसमें जो सबसे लास्ट पॉइंट है करिंग वाला, ठीक है, इसको देखते हैं। ये जो करिंग है, अगर मैं अभी आपसे पूछूँ करिंग क्या होती है तो आप में से शायद कोई भी ना बता पाए, तो कुछ एक आध कोई बता दे वरना बाकी लोगों को नहीं पता होगा कि ये क्या होता है। लेकिन आप लोग ये चीज़ देख चुके हो क्लास के अंदर। हम लोगों ने फंक्शन के अंदर एक और रिटर्न कराने के बाद एक और नेस्टेड फंक्शन उसमें से रिटर्न कराया था, उसमें फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, उसी कॉन्सेप्ट को करिंग कहते हैं। अगर एक फंक्शन रिटर्न कर रहा हो दूसरे फंक्शन को, उसी कॉन्सेप्ट का नाम करिंग है बस, ठीक है। क्लोजर्स अलग कॉन्सेप्ट है। क्लोजर्स का कॉन्सेप्ट फंक्शन के अंदर फंक्शन तो होता है लेकिन वो स्कोप्स के ऊपर है, ठीक है, कि स्कोप चेंज ना हो, सेम स्कोप में रहे, ठीक है, कि पेरेंट चाइल्ड के पास पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ हो, वो क्लोजर दें, ठीक है। करिंग क्या है, सिंपल, अगर आपने क्या कहते हैं किसी एक फंक्शन को ये बनाया है कुछ इस तरह का, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है ABC, ठीक है, और ये रिटर्न करे अगर एक और फंक्शन, ठीक है, तो आप लोगों को पता है ना कि इसको कॉल करने का जो तरीका होगा वो किस तरीके का होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये रिटर्न करता है हेलो वर्ल्ड, पता है इसको किस तरीके से कॉल करेंगे, पता है ना, बताओ कितने लोगों को पता है इसको कैसे कॉल करेंगे। अभी अगर मुझे हेलो वर्ल्ड चाहिए कंसोल के ऊपर तो मैं कैसे कॉल कर सकता हूँ इसको, फंक्शन लगाएंगे पहले तो ABC को कॉल करेंगे और उसके बाद एक और राउंड ब्रैकेट लगा देंगे ताकि वो जो नीचे से रिटर्न होने वाला फंक्शन है वो भी कॉल हो जाए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने बताया था अपने ग्रुप के ऊपर, मैंने एक बंदे का इंटरव्यू किया था, वो इंटरव्यू छोड़ के भाग गया था बीच से, देखा था वो मैसेज मेरा, ठीक है। तो उस बंदे से मैंने ये वाला सवाल किया था कि बताओ ये कोड मैंने उसको करके दिया था, मैंने कहा बताओ इसको कॉल कैसे करेंगे। उस बंदे को 12 साल का एक्सपीरियंस था जावास्क्रिप्ट के ऊपर और उसको ये बताना नहीं आया, वो इंटरव्यू छोड़ के भाग गया। ऐसे लोग हैं, ठीक है जी, 12 साल। तो ये चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत ऐसी हैं जो कि इंटरव्यूज़ के अंदर पूछी जाती है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस वजह से एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें इसके अंदर रखी हैं, ठीक है। ES6 जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ES6 ऊप्स और बाकी सारी चीज़ें ज़्यादातर जो हैं इनहेरिटेंस, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ज़्यादातर जो है वो ऐसी हैं कि जो आपको वर्बली याद रखनी है, ठीक है, ताकि आप चीज़ें अपनी क्लियर कर सको, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर, ठीक है। अच्छा, तो ES6 हमने जब स्टार्ट किया था तो मैंने ES6 के लिए मैंने आप लोगों को एक वेबसाइट बताई थी जहाँ से हम लोग कवर करेंगे सारी चीज़ें, तो वो है ES6-features.org, ठीक है। इसके ऊपर जब हम सबसे पहले आ जाते हैं ना यहाँ पे, तो इन्होंने कहा है कि भाई इसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस करवाया कॉन्स्टेंट्स। अब कॉन्स्टेंट क्या होता है, इंग्लिश अंदर ही अगर देख लो तो कॉन्स्टेंट कौन सी चीज़ को कहते हैं,
जो ना बदलती हो, ठीक है। तो बस ये वही वेरिएबल ही है, ठीक है, जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर होते थे। बस जावास्क्रिप्ट ने इसके अंदर एक ये रिस्ट्रिक्शन रखी है कि एक बार आपने जो वैल्यू इसमें डाल दी, अब वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसका फ़ायदा भी बहुत जगह पे होता है आप लोगों को। फ़ायदा कहाँ पे होगा? फॉर एग्जांपल, आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक यूआरएल सेव करना है, ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही आप काम करते करते कोई बग आता है, ठीक है, आप मतलब खुद कोई क्या कहते हैं कोई काम गलत करते हो और उस वेरिएबल वो जो यूआरएल वाला जो वेरिएबल है उसको रीराइट करा देते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो पुराना वाला वेरिएबल था वो तो रीराइट हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरर आएगा आपके पास, आपको पता चल जाएगा हाँ मैं कोई गलती कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अच्छा सोचो, अगर ये फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन का यूआरएल पूरा चेंज हो जाए, ठीक है, तो आपकी पूरी एप्लीकेशन मेल फंक्शन हो जाएगी ना, है ना। तो ये चीज़ जो है वो पहले बहुत ज़्यादा जो है वो लोग कहते हैं कि यार जावास्क्रिप्ट के अंदर आनी चाहिए, दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर अब आने लगी है, ठीक है, काफ़ी कुछ लैंग्वेजेस के अंदर है ये, जावास्क्रिप्ट में नहीं थी, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इन्होंने एक्मेस्क्रिप्ट 6 में इंट्रोड्यूस करवाया इसको। तो ये सिंपली आप कॉन्स्टेंट लगाओ और क्या कहते हैं कोई भी वेरिएबल, जैसे आप वेरिएबल का नाम दे तो वो दो और इक्वल टू करके इसकी वैल्यू रख दो, ठीक है। तो अब जब आपने पहले जब आप एक्मेस्क्रिप्ट 6 आपने नहीं पढ़ी थी तब आप वार यूज़ कर रहे थे, ठीक है, अब से आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो लेट या कॉन्स्टेंट ही यूज़ करना है। लेट क्या होता है ये हम आगे देख रहे हैं, लेकिन बस जो कोई भी वेरिएबल ऐसा है जिसको आपको लगता है कि आगे जाके चेंज हो सकता है, इसकी वैल्यू चेंज होगी, वहाँ पे आप लेट यूज़ करोगे, ठीक है। जहाँ पे आपको लगता है कि यार इसकी वैल्यू तो हमेशा एक ही रहेगी, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, कॉन्स्टेंट बनाओगे, सही है। तो ये कॉन्स्टेंट था, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ और है, ठीक है, जो कि इन्होंने जब आप इस पर आते हो, ठीक है, ब्लॉक डिस्कोप पे, तो अच्छा स्कोप्स क्या होते हैं, ठीक है, हमने स्कोप देखे थे, जब हमने स्कोप पढ़ लेते हमने देखा था कि भाई एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, ठीक है, और एक लोकल वेरिएबल होता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसी चीज़ को और नेक्स्ट लेवल पे ले गए, ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई अब वो तमाम के तमाम लोकल वेरिएबल्स होंगे। पहले सिर्फ वो लोकल वेरिएबल्स होते थे जो कि किसी फंक्शन के अंदर होते थे, फंक्शन की बॉडी के अंदर होते थे। अब इन्होंने कहा किसी भी कर्ली ब्रैकेट की बॉडी के अंदर अगर क्या कहते हैं कोई वेरिएबल होगा तो मैं उसे कहाँ क्या सपोज करूँगा, लोकल वेरिएबल, ठीक है, भले वो इफ की बॉडी हो, भले ही वो स्विच केस की बॉडी हो, ठीक है, अगर वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है तो फिर लोकल वेरिएबल है, सही है। अच्छा, लेकिन पुराना वाला जो वार का कीवर्ड था ना वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ये वाला जो काम है ये किसके साथ होगा, सिर्फ लेट और कॉन्स्ट के साथ, ठीक है, लेट और कॉन्स्टेंट जो अभी नए इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं वेरिएबल्स उसके साथ होगा, सही है। तो ये था ब्लॉक्ड स्कोप वेरिएबल आपका। अच्छा, इसी तरीके से फंक्शंस भी हैं जो कि क्या कहते हैं आप सिंपली अगर कोई भी कर्ली ब्रैकेट लगा दो तो उसके अंदर जो है वो आपका क्या कहते हैं वो फंक्शन फिर बाहर रिकॉग्नाइज नहीं होगा, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो अच्छा, ये इसकी क्या ज़रूरत पड़ी थी, इसकी ज़रूरत जो है वो पहले हम लोग काम जो है ना इसको समझने की इसे कोशिश करना कि कुछ इस तरीके से करते थे, ये देख रहे हो इन्होंने क्या किया है, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ जो है वो हमारी एक और टॉपिक को कवर कर रही है एडवांस जावास्क्रिप्ट वाले, वो कौन सा टॉपिक है, वो है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशंस, IIFE, ठीक है। IIFE क्या है, IIFE ये चीज़ है, इन्होंने राउंड ब्रैकेट के अंदर एक पूरा फंक्शन बनाया, ठीक है, पूरे फंक्शन को राउंड ब्रैकेट के अंदर रखा है और आगे एक और उसी के आगे राउंड ब्रैकेट लगा दिए, इससे क्या होगा ये फंक्शन इमीडिएटली कॉल हो जाएगा, जैसे ही बनेगा वैसे ही कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहोगे कि अगर जैसे ही बनेगा वैसे ही कॉल हो जाएगा तो इस फंक्शन को बनाने की ज़रूरत क्या थी, बाहर ही रख देते, है ना, काम तो वही कर रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल है मेरे पास, ठीक है, और वो वेरिएबल जो है लाइक ABC है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बल्कि ABC के अंदर कोई वैल्यू डाल देते हैं, ABC की वैल्यू है हेलो,
सही है, अगर मैं इसको ऐसे चला दूं तो ये इसमें चल जाना है। ठीक है, सेट है। अच्छा, अगर मैं IIFE के अंदर यानी इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशंस के अंदर अगर इसको रख के चलाता हूँ, ये तब भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा? कैसे देख लेते हैं। पहले राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर बनेगा फंक्शन, फंक्शन होगा एनोनिमस यानी बगैर किसी नाम के। ठीक है, नाम देना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमने इसको बाद में कॉल नहीं कर सकते इसको। ठीक है, इसको यहीं पर ही चलेगा और यहीं पर कॉल हो जाएगा और उसके बाद दोबारा एक राउंड ब्रैकेट्स। अब अगर ये इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके अंदर डाल दें, इसका काम बिल्कुल अभी भी सेम पहले जैसा ही होगा, कोई फर्क नहीं है। तो फिर इसको यूज क्यों करें? ठीक है, इसको क्यों बनाया? मसला ये है कि जब हमारे पास ये वाली कंडीशन थी ना, ठीक है, उस टाइम पे ये वेरिएबल क्या था? ग्लोबल था। ठीक है, अब ये वेरिएबल क्या है? लोकल। यानी ये वेरिएबल बना भी, इसने अपना काम भी किया और काम करने के बाद वेरिएबल ख़त्म, मेमोरी से भी चला गया। जब हमने बाहर इसको रखा हुआ था तब क्या हो रहा था? ये भले से इसका काम ख़त्म हो गया लेकिन ये अभी भी मेमोरी में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब आप बहुत बड़ी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो तो तब आप इसको इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि बिला वजह की स्पेस ले रहा है ना। ठीक है, ज़रूरत नहीं है ना, इसका काम ख़त्म हो गया। इसका काम था बस हेलो प्रिंट करवा देना, इसने कर दिया था वो काम। तो इस वजह से IIFE को यूज़ किया जाता था। ठीक है, ये नहीं, पूरी पूरी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स जो है ना उनको फंक्शन की बॉडी के अंदर रख के इस तरीके से कॉल किया जाता था ताकि जब तक ये फाइल चल रही है ना सिर्फ तब तक ये कोड ब्राउजर के ऊपर रहे, उसके बाद उड़ जाए। ठीक है, तो ये होता था। तो इन्होंने कहा कि भाई ये जो आप पहले यूज़ करते थे, ठीक है, ये वाला, इस चीज़ को मैं और ज़्यादा एडवांस पे लेवल पे लेके जा रहा हूँ। यानी मैंने कहा कि आप पूरा फंक्शन बना के उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्यों? अब आप क्या करोगे, अब आप सिंपली कर्ली ब्रैकेट लगाओ और वो पूरा का पूरा आपका लोकल हो जाएगा। जैसे आप वेरिएबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर बना रहे थे वो लोकल बन रहा था, उसी तरीके से अब सारा काम उसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, भले आप फंक्शन बनाओ, कुछ भी बनाओ, फंक्शन बना के कॉल कर लो, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही तक रहेगा, उसके बाहर नहीं आएगा। सही है भाई, क्लियर है? तो ये थे हमारे IIFE। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा क्या कहते हैं होस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जो कि हमने लास्ट क्लास में कवर किया। जी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलना। कर्ली ब्रैकेट के आगे राउंड ब्रैकेट कौन लगाता है? नहीं, ये एरर आएगा यहाँ पे। ये चीज़ इसी तरीके से चलती है, पूरा फंक्शन आपका राउंड ब्रैकेट में होना चाहिए। जहाँ पे राउंड ब्रैकेट इस वाले को ये हो रहा है ना कॉल, यहीं पे जो जहाँ जो भी काम करना है आपने उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही, बाहर नहीं कर सकते, उस वो स्कोप वहीं तक ही रहेगा। ये फंक्शन बनाया इन्होंने, इसको कॉल किया, ठीक है, उसके बाद दोबारा कर्ली ब्रैकेट बनाया, एक और उसी नाम का फंक्शन बना लिया। देखा जाए तो यहाँ पे एरर आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, क्यों? क्योंकि इसका स्कोप भी अलग है, इसका स्कोप अलग है। अच्छा, हमारे क्या कहते हैं अपने होस्टिंग वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, होस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कौन बता सकता है? लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। जी, डिक्लेयर करने से पहले आप उसको कॉल नहीं कर सकते। नहीं, क्या? जी, जावास्क्रिप्ट की जब फाइल आपके पास रन होती है तो जावास्क्रिप्ट सबसे पहले देखता है डिक्लेरेशंस को। ठीक है, सबसे पहले जितनी भी डिक्लेरेशंस होती हैं उनको अपने पास लोड कर लेता है। ठीक है, मैंने दो चीज़ें बताई थी आप लोगों को। ठीक है, एक डिक्लेरेशन होती है और एक क्या होती है? असाइनमेंट, इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट बताई थी। ठीक है, तो डिक्लेयर वेरिएबल जो डिक्लेयर करते हैं आप लोग वो एक्चुअल में इनिशियलाइजेशन ही होती है किसी भी वेरिएबल की। तो आप लोग क्या करते हो, सिंपली अगर आप जैसे वेरिएबल
ए इक्वल्स टू वन कर रहे हो, ठीक है। तो इसके अंदर दो काम हो रहे हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला काम ये हो रहा है कि ये बन रहा है वेरिएबल ए इस तरीके से, ठीक है। ये क्या चीज़ है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और ए इक्वल्स टू वन ये दूसरा काम है यहाँ पे, और इस काम का नाम, इसको हम क्या कहते हैं, क्या ठीक है। पहले आपने सिर्फ वेरिएबल बनाया था, यानी आपने फॉर एग्जांपल अपने सीपीयू को बोला या अपने रैम को बोला कि भाई मेरे पास ये वेरिएबल बनाना है, मेरे को मुझे इसकी स्पेस दे दो, इसकी जगह दे दो मेमोरी के अंदर, ठीक है। उसने वो मेमोरी के अंदर वो वेरिएबल बना दिया, अभी उसके अंदर रखा हुआ कुछ नहीं है, लेकिन जगह आपकी रिजर्व हो गई, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो कि आपने अलमारी ख़रीद ली है, अभी रखा कुछ नहीं है लेकिन जगह है, हो गई आपके पास, ठीक है। जब आप उस अलमारी के अंदर कुछ रखोगे, जैसे आपने इस वेरिएबल के अंदर कुछ स्टोर कराया इक्वल्स टू वन, तो इसका मतलब वही है कि आप अलमारी के अंदर कुछ अपने रख रहे हो, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है ये क्या है, असाइनमेंट आपकी, ठीक है। अब आप जो आपने पहले स्पेस बनाई थी उसके अंदर कुछ रख रहे हो, ये जो है वो देखा जाए तो एक तरीके से एक शॉर्ट हैंड है दो कामों का, कौन कौन से काम का, पहला इनिशियलाइजेशन और दूसरा असाइनमेंट। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर कुछ इस तरीके का है कि वो जब कोई भी जावास्क्रिप्ट की फाइल लोड होती है, यार मोबाइल रख दो भाई, मोबाइल रख दो, क्या कर रहे हो, ज़रूरी काम है रखो। तो जहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं इनिशियलाइजेशन और असाइनमेंट है, ठीक है, तो क्या कर रहा होता है जावास्क्रिप्ट, जब कोई भी फाइल रन होती है तो जितनी भी इनिशियलाइजेशन हैं, इनिशियलाइजेशन से मेरा मुराद ये है कि जितनी भी मेमोरी के अंदर जगह बनानी है, ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं वो सबसे पहले उनको पिक करता है, ठीक है। बाकी भले से आपने इफ़ की कंडीशन लगाई हुई है, एल्स की कंडीशन लगाई हुई है, आपने सबसे ऊपर इफ़ की कंडीशन लगाई हुई है, नीचे आके आपने वेरिएबल ए बनाया हुआ है, लेकिन वो सबसे पहले पिक किसको करेगा, इनिशियलाइजेशन को, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस भी क्या कर रहे होते हैं काम, कि अगर आपने फंक्शन को बनाया नीचे है और उसको कॉल ऊपर करा लिया, आप देखो कभी भी एरर नहीं आएगा, करके देखा है किसी ने कभी ऐसा, अगर आप एक फंक्शन बना लो कुछ इस तरीके का, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। एक्स वाई जी के नाम से हमारे एक फंक्शन है, बनाया मैंने नीचे, अगर मैं इसको यहां पे कॉल करवा लूं तो मेरे पास कोई एरर आएगा, चल जाएगा, क्यों चल जाएगा, जब जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चीज़ों को चला रहा होता है, ठीक है, तो उसको कैसे पता चला इसी लाइन के ऊपर कि ये वाला फंक्शन बन गया है, जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलती है ना, एक एक करके लाइन को रीड करता है, ठीक है, इसको कैसे पता चल गया कि ये वाला फंक्शन नीचे बना हुआ है, इसको मैं कॉल करा सकता हूँ, इसलिए कि इस चीज़ को पढ़ने से पहले जावास्क्रिप्ट ने पहले इसको लोड कर लिया था, इस फंक्शन को पहले लोड कर लिया था, ठीक है। इस वाला, ये वाला जो प्रोसीजर है जिसके अंदर आपके वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन, ठीक है, यानी इनिशियलाइजेशन और फंक्शंस, ठीक है, ये जो है वो बिल्कुल फेज़ वन के अंदर जावास्क्रिप्ट की जब फाइल स्टार्ट होना शुरू होती है, लोड होना स्टार्ट होती है, वहीं पे लोड हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसीजर को कहते हो आप क्या, होस्टिंग, सही है। अच्छा, अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये सिर्फ वेरिएबल्स के साथ था, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ने ये कहा कि अब जो आप लेट और कॉन्स्ट करोगे ना उसके अंदर ये चीज़ नहीं होगी, सही है। उसके अंदर जो है वो आपकी जितनी भी चीज़ें चलेंगी वो उसी वक्त चलेंगी जब आपने बनाई है उसको, ठीक है। मैं आप इसको शुरू से उठा के मैं उसको रीचेक करूँगा कि भाई ठीक है आपने कहाँ पे वेरिएबल बनाया है कहाँ पे नहीं बनाया। तो इसी तरीके से अगर आप जो आप काम आप वेरिएबल के थ्रू कर रहे थे, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप करो कुछ वेरिएबल ए, ठीक है, और इससे पहले ही आप इसमें कुछ वैल्यू असाइन कर दो, ए इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 5, ठीक है, और इसकी वैल्यू इसके भी बाद चेक करो, लाइक कॉन्सोल डॉट लॉग ए। तो अगर देखा जा रहा है,
तो एरर आना चाहिए था है ना, लेकिन एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले रीड ये वाली लाइन होगी, सही है। अगर हम इसको चला के देखें तो ये सही चल रहा है बिल्कुल। लेकिन अगर यही केस हम कर दें लेट के साथ, सही है, अब नहीं चलेगा, अब एरर आएगा, ठीक है। सही है भाई, क्लियर है? ये होस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट था इसके अंदर, ठीक है। तो एक्मा स्ट्रिप ने कहा कि होस्टिंग जो है ना वो ठीक है, पहले चलती थी वेरिएबल्स के साथ, अब लेट और कॉन्स्टेंट के साथ नहीं चलेगी, सेट। अच्छा, उसके बाद फिर हम आते हैं क्या कहते हैं एक्सप्रेशंस बॉडीज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे आते हैं क्या कहते हैं एरो फंक्शंस, ठीक है, जिसको बाज़ औक़ात फैट एरो फंक्शंस भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, एरो फंक्शंस क्या होते हैं? देखो, सिंपल फंक्शंस तो हमको पता है फंक्शन किस काम के लिए होते हैं, पता है ना, ठीक है। आपको कोई भी अपना काम करवाना है, फॉर एग्जांपल कोई एक एम्प्लॉय हायर करना है, ठीक है, उससे कुछ काम करवाना था, ठीक है, तो आप उसी तरह की एग्जांपल के अंदर जावास्क्रिप्ट में अगर देखो तो फंक्शंस होते हैं आपके पास, ठीक है। आपने एक एम्प्लॉय बनाया या फंक्शन बनाया, ठीक है, उसको टास्क समझा दिए कि तुम्हारा काम ये है, जब भी मैं तुम्हें काम करने का कहूँगा, जब भी मैं तुम्हें कॉल करने का कहूँगा, ठीक है, ये तो मैं कॉल करूँगा, तुमने अपने जितने भी टास्क जो मैंने तुम्हें समझाया वो चला देना, सही है। तो बिल्कुल सेम काम जो के फंक्शंस करते हैं वही एरो फंक्शंस भी करते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फंक्शंस को नए तरीके से क्या कहते हैं उसकी जो सिंटेक्स है उसको डिफाइन किया है कि आप इस तरीके से भी लिख लो और अपना काम आसान कर लो। पहले आपको इतना लंबा काम करना पड़ता है, फंक्शन का कीवर्ड लिखो, राउंड ब्रैकेट लगाओ, फिर क्या कहते हैं कर्ली ब्रैकेट लगाओ, उसके साथ सारी चीज़ें, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके काम को और आसान कर देते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि भाई ऑड्स का फंक्शन था, ऑड्स के ऊपर क्या कहते हैं सॉरी इवेंट्स के ऊपर मैप चला के ये ऑड जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है। इवेंट्स क्या है? इवेंट्स एक एरे है, मैप का फंक्शन भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि एरे के ऊपर चल जाता है, आप उस पर किसी भी तरह का काम परफॉर्म करा लो, ठीक है, वो उस एरे को उस तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा जो भी आपने उसके अंदर से रिटर्न करवाया है, हर इंडेक्स के ऊपर चलेगा, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं एक बार पहले मैप को। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जैसे अभी इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई थी इवेंट्स की, ठीक है, इवेंट्स डॉट मैप, यानी इनके पास पहले से इवेंट्स का एक एरे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कॉन्स्टेंट बना लिया, ठीक है, और इवेंट्स का एक एरे बना लिया। अच्छा, अब इवेंट्स का जो एरे है इसके अंदर मैं रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, सही है। अच्छा, इसी के ऊपर अब मैं इन्होंने कहा है कि आप क्या कहते हैं उसी को मैप चला के इन्होंने ऑड्स बनाया, ठीक है। तो मैं एक नया वो बना लेता हूँ, कॉन्स्टेंट ऑड्स इक्वल्स टू इवेंट्स डॉट मैप। अच्छा, अब मैप क्या है? मैप खुद एक फंक्शन है जो कि अपने पैरामीटर के अंदर फंक्शन लेता है, ठीक है। तो पैरामीटर के अंदर जो आप फंक्शन पास करते हो उसमें बेसिकली आप समझाते हो कि मैप में काम क्या कर रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो मैप है इसको आप बताओगे एक फंक्शन, ठीक है, क्या सकते हैं कॉलबैक फंक्शन, ये कॉलबैक ही है एक तरह से, ठीक है, जो कि आप पैरामीटर में पास कर रहे हो तो जो फंक्शन वो एक तरह का कॉल बैक ही होता है, ठीक है। बस ये थोड़ी सी फंक्शनलिटी डिफरेंट होती है, वो काम करने के बाद बताता है, लेकिन ये फंक्शन पास करना ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कॉल बैक्स का भी इसी तरह से ही था। अच्छा, तो यहाँ पे जो फंक्शन आपने पास किया है इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको एक एक करके उसकी वैल्यू मिलती जाएगी जो भी जिस एरे के ऊपर आप मैप चला रहे हो, ठीक है। लाइक अगर इस इवेंट्स वाला जो एरे है इसके अंदर टोटल इसकी लेंथ कितनी है? अभी 5 लेंथ है, तो इस फंक्शन ने कितनी बार चलना है? 5 बार चलना है, सही है। हर बार इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या होगी? 2, दूसरी बार 4, तीसरी बार 6, फिर 8, फिर 10, ठीक है। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे पैरामीटर में गेट कर सकता हूँ। अब मुझे उसी वैल्यू को चेंज करके आगे जो है वो इस एरे को फिलअप करना है, तो जो भी मैं पास करूँगा इसको उसी का इन दी एंड फाइनल एरे रिटर्न होगा, ठीक है।
लाइक अगर मैं यहाँ से रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न वैल्यू, वैल्यू के अंदर फर्स्ट टाइम क्या पड़ा होगा, टू, तो मैं इसको बताता हूँ भाई वैल्यू माइनस वन, तो टू माइनस वन क्या हो जाएगा, वन, वन रिटर्न होगा। तो ये जो एरे मुझे बना के देगा मैप, इसके पहले इंडेक्स पे, सॉरी जीरो इंडेक्स पे क्या रखा हुआ होगा, वन, ठीक है। सेकंड वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, फोर, फोर माइनस वन क्या हो गया, तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। तो ये वन थ्री फाइव सेवन नाइन, इस तरह से मेरा एक ऑड का एरे जनरेट हो जाएगा, किस, और वो मैंने कैसे किया, इवेंट से, ठीक है। बस उसी की वैल्यू को चेंज करा के उसके ऊपर मैप कराया और ऑड्स मेरे पास बन गया, ठीक है। मैं दोनों को चेक कर लेता हूँ, यार ये दो काम एक साथ कर रहा होता है, एक काम लूप वाला कर रहा होता है, एक एक करके सारी चीजों को चला रहा है, ठीक है, और दूसरा काम ये कर रहा होता है कि जो आप रिटर्न करवा रहे हो ना उसको उसी जगह पे जाके स्टोर भी कर रहा होता है, ठीक है। सही है, तो मेरा इवेंट्स का भी एरे जनरेट हो गया और ऑड्स का भी हो गया, क्लियर है, कोई मसला मैप के ऊपर, ठीक है। मैप बहुत बहुत इजी चीज है, आप एक बार खुद से बना लो आपको समझ में आ जाएगा कि मैप क्या कैसे चल रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कहते हो, ये हमारा इतना सारा काम होता था जब हम मैप के ऊपर कर रहे थे, असल मैप के ऊपर आने का मकसद ये था कि जब आप मैप चलाते थे, कोई भी फंक्शन आप किसी राउंड ऐसे पैरामीटर पास कर रहे होते थे, तो इतना सारा काम आपको करना पड़ता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब फैट एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस कराए, इन्होंने कहा एक काम करो, सबसे पहले तो इस फंक्शन के कीवर्ड को ही उड़ा दो, ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, सही है। तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा ये जो राउंड ब्रैकेट है पैरामीटर का, इसको भी उड़ा दो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा सिर्फ इसके, यानी जो पैरामीटर है और जो उसके कर्ली ब्रैकेट्स हैं, उसके बीच में सिर्फ एक फैट एरो लिखो, रख दो, मैं समझ जाऊंगा कि ये फंक्शन है। फैट एरो से पहले वाले जो चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, पैरामीटर, और फैट एरो के बाद वाली चीज़ जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बॉडी, फंक्शन की बॉडी, सही है। तो ये हो गया हमारा, अभी इसको ज़रा ऐसे ही चला के देखते हैं, ये बिल्कुल सेम वही है, ठीक है। ये इवेंट्स का एरे मेरे पास, इसी से मैंने ऑड्स का एरे जनरेट करवाया। अच्छा, अब इन्होंने कहा आप इसको भी और छोटा कर सकते हो, कैसे, कहा रिटर्न का कीवर्ड भी हटा दो, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा अगर जो एक ही लाइन के अंदर, सिंगल लाइन के अंदर आपका फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना कुछ, तो उसको पार्स कर लूंगा मैं, ठीक है। वो कैसे, इन्होंने कहा कि फैट एरो के बाद कोई भी चीज आ रही है ना, मैं सपोज कर लूंगा कि ये चीज जो है वो रिटर्न है, यानी ये वाली जो चीज है फैट एरो के बाद जो आ रही है वो क्या है, वो रिटर्न है उस फंक्शन का। तो वैल माइनस वन का जो भी वैल्यू थी वो रिटर्न को सपोज कर रहा है, बिल्कुल। अगर अभी हम इस तरीके से चला लें तो ये हो गया, अभी भी वैसे ही चल रहा है। तो पहले जो कोड हमारा, समझ लो अभी एक दो तीन लाइंस में, ठीक है, पहले हमारा कोड कितनी लाइंस में था, पहले कितनी लाइंस में था, एक दो तीन चार पांच लाइंस थी, इसको अगर आप हटा भी दो तो टोटल पांच लाइन ले, और वही पांच लाइन का कोड दो लाइनें वैसे ही कम हो गई उसकी, ठीक है। तो कोड छोटा हो गया आपका, ठीक है। और अगर आप देखो तो क्या कहते हैं, ये चीज़ ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही है जो फैट एरो फंक्शंस थे उसके अंदर, ठीक है। तो इन्होंने बहुत ही सिंपल अंदाज के अंदर जो है वो मैप के फंक्शंस बनाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई अब अगर आपने रिटर्न करवाना है एक ऑब्जेक्ट, अच्छा, तो ये थे फैट एरो फंक्शंस, ठीक है, क्लियर है भाई। लेकिन इन्होंने कहा है कि भाई अगर जैसे ये तो रिटर्न है ना, ठीक है, अब रिटर्न के अंदर इन्होंने कहा आपको कोई मसला है, फॉर एग्जांपल आप एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना चाह रहे हो, ठीक है, यानी हर इंडेक्स के ऊपर एक ऑब्जेक्ट आ जाए, फिर आप क्या करोगे, इन्होंने कहा बस ऑब्जेक्ट को राउंड ब्रैकेट के अंदर कर देना, ये खुद ही समझ जाएगा कि ये फंक्शन की बॉडी नहीं है बल्कि ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए भी कर्ली ब्रैकेट यूज होता है, फंक्शन की बॉडी के लिए भी कर्ली ब्रैकेट यूज होता है, ठीक है। तो वहां पे मसले आ सकते थे ना, तो ये चीज एक, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई अगर मेरे पास एक से ज़्यादा फॉर एग्जाम्पल पैरामीटर्स हैं किसी फंक्शन के अंदर, फिर क्या करना है? फिर उन्होंने कहा अच्छा फिर एक काम करना, फिर आप पैरामीटर के ऊपर राउंड ब्रैकेट लगा देना, बीच में कॉमा दे देना, वो समझ जाएगा कि ये पैरामीटर्स हैं फंक्शन के। सही है भाई, कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, घर पर जाके करोगे ये चीज़ हो जाएगी आप लोगों से। ठीक है, अच्छा ये तो वही चीज़ है। अच्छा अब उसके बाद आते हैं और आगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब डिफ़ॉल्ट फंक्शन की जो पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज़ बता दी आपको, कि फॉर एग्जांपल आप कोई फंक्शन है उसके पैरामीटर है, ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि अगर कोई फंक्शन आगे से वाई की वैल्यू पास ना करे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो फॉर एग्जाम्पल ज़ीरो है, तो वो ज़ीरो लेके चले। पहले आपको क्या करना पड़ता था, जब आप एक स्क्रिप्ट आपके पास नहीं थी, आपको इफ करके कंडीशन लगानी पड़ती थी, इफ़ वाई इक्वल्स टू अनडिफाइंड वाई इक्वल्स टू 7, इफ जेड इक्वल्स टू अनडिफाइंड जेड इक्वल्स टू 42। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जहाँ पे आपने पैरामीटर्स डिफाइन करते हो आप वहीं पे कहा कि आप इक्वल्स टू लगा के बता दो। ठीक है, अगर जेड के अंदर कोई वैल्यू आई तो वो वैल्यू मिलेगी आपको जेड के अंदर, अगर जेड के अंदर वो वैल्यू नहीं आई तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, 42, जो भी आपने डिफॉल्ट पैरामीटर सेट किया अपना। सही है, इसको एक बार चला के देख लेते हैं। अभी अगर अभी देखा जाए तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखो यहां से 1 पास हो रहा है तो x की वैल्यू क्या जा रही है, 1 प्लस 7 8 प्लस 42 50, तो ट्रू आना चाहिए। सॉरी इसको कंसोल में डालना पड़ेगा। सेट है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से y की कुछ वैल्यू पास करता हूँ, y की वैल्यू कैसे पास कर सकता हूँ, सिंपली 5। ठीक है, 7 नहीं जा रही, अब 5 जा रही है, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, 48। सही है, अब उसने y इक्वल्स टू 7 का यानी जो डिफॉल्ट वैल्यू थी उसको नहीं उठाया, अब उसने कौन सी वैल्यू उठाई जो मैंने उसे पास किए। अच्छा उसके बाद फिर आगे हमारे पास रेस्ट पैरामीटर्स। रेस्ट पैरामीटर्स क्या करते हैं आपके, ये बताते हैं फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि कोई एक फंक्शन आप ऐसा बना लो, ठीक है, जिसके अंदर मुझे लेंथ की परवाह ना हो, पैरामीटर्स की लेंथ की। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 3 पैरामीटर्स पास कराऊं, मैं 4 पास कराऊं, मैं 5 भी पास करा दूं एक ही फंक्शन को, ठीक है, तो कुछ इस तरह का मुझे काम चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, आप देख रहे हो इसने फंक्शन को पैरामीटर्स कितने पास किए हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट एक्चुअल में देखा जाए तो 2 हो रहे हैं। तो रेस्ट पैरामीटर्स से क्या हो रहा है, इन्होंने 3 बार डॉट लगा के एक पैरामीटर डिफाइन किया। ठीक है, इन्होंने कहा ये रेस्ट पैरामीटर्स हैं, यानी इसके अलावा x और y के अलावा जितने भी पैरामीटर्स की वैल्यू मिलेगी वो सारी की सारी कहाँ डाल देगा, a के अंदर डाल देगा, लेकिन कैसे डालेगा, अरे ठीक है, अगर हम सिंपली चेक कर ले कि ए के अंदर क्या आ रहा है, यानी कंसोल करा लें ए को, ठीक है, ए के अंदर
वो एरे के अंदर जो वैल्यूज हैं। अच्छा ये हेलो से स्टार्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये 1 2 जो था ये तो वैल्यूज हो गई एक्स वाई की, ठीक है। जो आपका पैरामीटर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, क्या कहते हैं रेस्ट पैरामीटर, वो तो ए से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है, यानी थर्ड वाले से। तो इस यहाँ तक की जो वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी आपको ECMA स्क्रिप्ट एक एरे के अंदर डाल के दे देगी, सही है। वाई को ब्लैंक छोड़ना हो मतलब डिफॉल्ट पैरामीटर लगाना हो, बिल्कुल वाई इक्वल्स टू 5 आप लगा सकते हो यहाँ पे, वाई इक्वल्स टू 5। लेकिन ब्लैंक कैसे छोड़ोगे इसको, यहाँ पे तो आपको वैल्यू देनी पड़ेगी ना, वरना रेस्ट में वैल्यू ही नहीं जाएगी, ये नहीं जा सकता इस तरह से, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ऐसे कर दो तो फिर रेस्ट जो है वो भी आपको एम्प्टी एरे मिल जाएगा 1 के ऊपर, ठीक है, एम्प्टी एरे मिल रहा है, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या आई होगी, वाई की 5 आई होगी, क्योंकि आपने वाई की वैल्यू कोई पास नहीं यहाँ से, क्या नहीं 2 कॉमा तो एरर आएगा ना, 2 कॉमा से ये सिंटेक्स एरर हो जाएगा फिर, बिल्कुल एक से ज्यादा फायदा नहीं होता ना। रेस्ट का मतलब ये है कि यहाँ से लेके अब जितने भी हैं सारे जी, तो एक से ज्यादा उसका सेंस ही नहीं बनती बात की, क्या मतलब मैंने बताया ना आपके पास कोई सिनेरियो है, आप एक फंक्शन इस तरह का बनाना चाह रहे हो जिसके अंदर आप चाह रहे हो कि वैसे तो 2 एक्सेप्ट करता है, लेकिन अगर मैं 5 भी भेजूं तो पीछे कोई लूप चला के उन सबको हैंडल कर ले, ठीक है, तो आप एरे के अंदर वो सारी चीज़ें आपको दे देगा। अब आप लूप के आप बना लो यहाँ पे कोई भी कंडीशन जिस तरह की भी आपको चाहिए, जैसे इन्होंने यहाँ पे लेंथ के ऊपर कंडीशन लेंथ चेक करा लो कि भाई हाँ इसके अंदर और भी ये पैरामीटर्स आए हैं, तो आप ये काम करा सकते हो। अच्छा अब उसके बाद आया स्प्रेड ऑपरेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर मैं कहूँगा ECMA स्क्रिप्ट के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है तो शायद गलत नहीं होगा, ठीक है। ये लास्ट है, ये कर लें उसके बाद फिर बस। अच्छा अब इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल आपने अक्सर इस तरह का सिनेरियो देखा होगा कि आपके पास एक एरे है, इसका नाम है एरे 1, ठीक है, और इसमें पड़ी हुई वैल्यूज लाइक, बल्कि एक काम करते हैं ना, हमारे पास इवेंट्स वाला एक एरे पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से एक और बना लेते हैं ऑड्स का कांस्टेंट, बल्कि छोड़ो इसको भी, मेरे पास एक और एरे है, अच्छा ये स्टार्ट हो रहा है 12 से, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक इस तरह का एरे आ जाए जो कि 2 से लेके 20 तक चल रहा हो, यानी इन दोनों एरे को मैंने क्या करना है, कंबाइन कर देना है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंपल सा एक फंक्शन होता था कॉनकेटिनेट का, वो आपको ये सारे काम करके देता था, ECMA स्क्रिप्ट ने और इससे अच्छा तरीका बताया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मैं उन्होंने कहा कि भाई एक काम ये करो कि आप जो है ना स्प्रेड ऑपरेटर है मेरे पास, इसको यूज़ कर लो, ठीक है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा लो या किसी भी एरे के ऊपर लगा दो, उसकी जितनी भी वैल्यूज होंगी ना उन सबको स्प्रेड करके आपको दे देगा, ठीक है। लाइक अगर मैं अभी मेरे पास कुछ इस तरह का मैं नया एरे बनाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट एरे इक्वल्स टू, मैं कुछ इस तरह से करूँ ना, फॉर एग्जांपल ये करूँ, इसी के अंदर मैं रख दूँ इवेंट्स, ठीक है, और इवेंट्स 2 भी रख दूँ, अगर मैं इसको अभी चेक करूँ तो मेरे पास क्या होगा,
क्या आएगा एरे के अंदर? एरे ऑफ एरे आ जाएगा, ठीक है। एक एसी के अंदर पहले इंडेक्स पे भी एक एरे पड़ा हुआ है, दूसरे इंडेक्स पे भी, लेकिन मैं इस तरह से तो नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था मेरा काम जो है वो इस तरीके से हो कि ये एरे पूरे इसकी जितने भी इंडेक्सेस हैं वो सारे आ जाएं, फिर इसकी जितने भी वैल्यूज हैं वो सारी आ जाएं। तो ये वाला काम मेरा एक जो एक्वा स्क्रिप्ट है वो फिक्स है, वो कैसे कर रहा है स्प्रेड ऑपरेटर। उसने कहा एरे से पीछे तीन डॉट लगा दो, उसकी पूरी वैल्यू स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अब एरे नहीं आएगा, एरे की जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी की सारी उठ के बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ पे आ जाएंगी। और इसी तरीके से मैंने इमेज टू के ऊपर भी कर दिया ताकि इसमें भी एरे ना आए। अब अगर मैं चेक करूँ तो देख रहे हो, ठीक है। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर था जो कि आपके एरे पे भी काम करता है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी काम करता है, ठीक है। ये एक एरे की एग्जाम्पल थी, एक एग्जाम्पल इसकी और देख लेते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। यार कीबोर्ड बहुत तंग कर रहा अच्छा, अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाना है इन दो ऑब्जेक्ट से। इसके अंदर भी एक मेरे पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, एक प्रॉपर्टी इसके अंदर ही पड़ी हुई है। मैं चाह रहा हूँ मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज रखी हुई हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे रख देता ओबीजे वन और ओबीजे टू, तो पहली बार तो पता है क्या क्रिएट होगा, ओबीजे वन के नाम से की बनी, उसके अंदर पूरा ओबीजे वन का एक ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन मैं इस तरीके से नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था इसकी की वैल्यूज आ जाए, इसकी की वैल्यू आ जाए, एक नया ऑब्जेक्ट बन जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली स्प्रेड ऑपरेटर यूज करूंगा, ये पूरे ऑब्जेक्ट को स्प्रेड कर देगा। सही है। तो ये था हमारे पास रेस्ट ऑपरेटर, ठीक है, सॉरी स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। ये यहाँ तक हमने कर लिए कवर, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग क्लासेस तक कवर कर लेंगे, सही है। तो क्लास आज की जो है